होप यू ऑल ऑफ गुड। आई एम आकाश चोपड़ा, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू बाइसिकल वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने गियर वाली बाइसिकल्स के बारे में। आज की हमारी बाइसिकल्स होने वाली है क्रॉस की एक्सीड बाइसिकल, जो कि हमारी 21 गियर स्पीड में होने वाली है। भाई बहुत ही अच्छी बाइसिकल्स होने वाली है और एक बेस्ट बजट बाइसिकल्स भी आप इसको बोल सकते हो। देखो गाइस, जो इस बाइसिकल्स में आपको फीचर्स मिलने वाले हैं तो भाई वो आपको लगभग 18,000 की बाइसिकल्स में मिलेंगे। तो भाई बाइसिकल्स अपनी स्पेक्स के मामले में किलर होने वाली है। तो भाई वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ चैनल को, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दिखाओ, कमेंट करो। और जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं करता हूँ और सभी को पढ़ता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, जल्दी आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा क्रॉस का एक्सीड बाइसिकल्स, और लुक का भाई जवाब नहीं है इस बाइसिकल्स के। अगर लुक की बात करें तो लुक इसका बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है और फुल एमटीयू बाइसिकल हमारी होने वाली है। आप इसको ऑफ रोडिंग और रोड या सिटी पर्पज, जिसमें भी, ऑल इन वन एमटीयू हमारी ये बाइसिकल होने वाली है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बाइसिकल्स है। और जो इसमें स्पेक्स और जो पार्ट्स लगे हुए हैं गाइस, वो भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों अगर हम इसके हैंडल बार की बात करें तो 600 mm का हमारा हैंडल बार का साइज होने वाला है, और जिसमें हमारे शिमानो के ओरिजिनल EF500 के गियर शिफ्टर देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम रैपिड फायर गियर शिफ्टर भी बोलते हैं। ओरिजिनल शिमानो के गियर शिफ्टर हमें इस बाइसिकल्स में देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा हैंडल पे स्टेम होने वाला है वो भी हमारा एलॉय स्टेम होने वाला है, जिसपे हमारे क्रॉस मेंशन दे रखा है। और बहुत ही अच्छा, मतलब एक अच्छा कंट्रोल हमारे हैंडल पे बनता है, क्योंकि हैंडल का जो हमारा साइज है वो 600 mm है, जिसकी वजह से हमारे जो हैंडल पे ग्रिप बनती है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनती है। और EF500 शिफ्टर की वजह से हमारे जो गियर की शिफ्टिंग हो जाती है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी बाइसिकल की फॉक की। सो गाइस, फॉक की अगर हम इस बाइसिकल में बात करें तो थ्रेडलेस फॉक विद सस्पेंशन हमें इस बाइसिकल्स पे मिलने वाला है क्रॉस की साइड से, जो कि एक नॉकआउट सस्पेंशन भी है। अगर आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा नॉकआउट सस्पेंशन है, इसको हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। मतलब अगर हम गाइस ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, जिससे हमारा सस्पेंशन वर्क करेगा। और अगर हम सिटी या प्लेन एरिया में अपनी बाइसिकल को राइड कर रहे हैं तो हम इसको लॉक कर सकते हैं, जिससे हमारा सस्पेंशन वर्क नहीं करेंगे और हमारी बाइसिकल स्मूथ करने में हमारी सहायता करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इस बाइसिकल की ब्रेक की बात करें तो ब्रेक हमें इसमें डबल डिस्क ब्रेक बाइसिकल्स में मिलने वाले हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक और स्पैंडम के कैलिपर हमें इस बाइसिकल्स में मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे हमारे रिस्पॉन्स करते हैं हमारे ब्रेक में। और ऑल वेदर ब्रेक्स भी हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे रेनी एरिया में या मतलब ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं हमारे डिस्क ब्रेक। तो डबल डिस्क ब्रेक मैकेनिकल वाले हमारे क्रॉस के एक्सीड मॉडल में साथ में मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइस अगर हम टायर की इस बाइसिकल में बात करें तो 27.5 का हमारा टायर और व्हील का साइज होने वाला है। रिम की बात करें तो हमें डुअल वॉल एलॉय रिम मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। और स्टंट अगर हम यहाँ व्हील करेंगे इस बाइसिकल्स पे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा हमारी, और बैंड या मतलब टेढ़ा नहीं होगा जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हमारा हो जाएगा। अगर इसमें हम हब की बात करें तो 36 हॉल वाली हमारी इसमें हब मिलने वाली है हमें। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने बैरिंग वाले बॉटम सेट के बारे में। तो बीबी बैरिंग वाला बॉटम सेट हमें इस बाइसिकल्स में मिलता है। तो गाइस अगर हम इसमें कैरिंग सेट की अगर हम इसमें बात करें तो कार्टरलेस वाला हमारा कैरिंग सेट आता है हमारे क्रॉस के एक्सीड बाइसिकल्स में विद एलॉय पैडल। भाई पैडल की क्वालिटी गाइस बहुत अच्छी है, एलॉय पैडल है। तो अगर गाइस मैं जैसे कि आप लोगों को बता चुका हूँ, इसमें हमारे क्रॉस के कैरिंग सेट देखने को मिलने वाले, 3 स्पीड वाली गरारी हमारी सामने की साइड में होने वाली है और 7 स्पीड की फ्री व्हील हमारी रियर में होने वाली है। ओवरऑल अगर हम इस बाइसिकल्स के लुक की बात करें तो बहुत ही ऑसम और एक ज़बरदस्त बाइसिकल्स का लुक हमारे इस बाइसिकल का होने वाला है क्रॉस के एग्जिट मॉडल का। और अगर हम इसमें सामने की बात करें तो फ्रेम में हमारा क्रॉस का लोगो देखने को मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे हमारे मॉडल का नाम एक्सीड, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे भाई एक्सीड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये भी जो लिखा हुआ है हमारा और स्टिकर है, यहाँ पे भी हमें क्रॉस का एक्सीड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें फ्रेम में बॉटल और बॉटल स्टैंड के लिए स्लॉट दे रखी है, हम राइडिंग के समय अपने साथ बॉटल भी कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे क्रॉस फ्रेम के अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो बहुत ही कमाल का फ्रेम होने वाला है, और यहाँ पे भी हमें क्रॉस मेंशन दिख जाएगा फ्रेम पे लिखा हुआ, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और
यहाँ पे भी हमें क्रॉस और यहाँ पे नाउ स्टॉप वेयर जो कि हमारे ऑल बाइसिकल्स पे आता है क्रॉस की। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलर इसमें हमारा ये ऑफिशियली कलर होता है गाइस क्रॉस की जितनी भी बाइसिकल्स है ज़्यादातर बाइसिकल्स में हमें यही कलर देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये इन बाइसिकल्स का हमारा ऑफिशियल कलर है और जो कि बहुत अच्छा भी लगता है। ब्लैक और रेड है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा है और एक अच्छी बाइसिकल्स और लुक के साथ हमारी क्रॉस की एक्सीट इस फ्रेम के साथ लगती है। तो उसके बाद हम इसमें बात करते हैं हमारे स्टैंड की। तो किक वाला स्टैंड हमारे इस बाइसिकल के साथ में आता है जो कि बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका था इस पैंडम के कैलिपर हमारे इस बाइसिकल के साथ में आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपने मड गार्ड की। तो मड गार्ड भी हमें इस बाइसिकल के साथ में मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हो आप, पीवीसी मड गार्ड। और रियर का मड गार्ड भी हमारे बाइसिकल के साथ में आने वाला है। और सीट की अगर हम इसमें बात करें तो सीट में हमें क्विक रिलीज मिल जाएगा और रिफ्लेक्टर भी हमारे बाइसिकल के साथ में आता है और रिम में और सीट के साथ में जो कि हमारे नाइट में अगर हम बाइसिकल को राइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुली हो जाता है। और सीट इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। राइडिंग के समय अगर हम इसको 10-20 किलोमीटर राइड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाले हैं हमारे राइडिंग करते हुए सीट। तो अभी इस बाइसिकल्स में हम गियर की बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं गियर। सो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं हमारे गियर्स की। तो देखो गाइज अगर हमारी गियर वाली बाइसिकल्स है तो उनमें मतलब गियर्स हमारे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर हमारे गियर्स ओरिजिनल ना हो तो हमारे गियर शिफ्टिंग और गियर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे जिससे हमारी साइकिल भी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। लेकिन जो हमारी क्रॉस की एग्जिट मॉडल है इसमें हमें रियर में शिमानो का टोनी डिलेलर मिलने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा है बढ़िया है 7 स्पीड। और जो हमारा फ्री व्हील होने वाला है वो भी हमें शिमानो का ही मिलने वाला है फ्री व्हील। तो बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉन्स करने वाले हैं इसके जो गियर की शिफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और जो गियर हमारे वर्क करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर हम इसमें फ्रंट के डिलेलर की बात करें तो शिमानो का टोनी TZ इसमें हमें मिलने वाला है फ्रंट में जो कि एक बहुत अच्छा है और इसकी भी शिफ्टिंग हमारी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे भी हमें स्टॉप नाउ वेयर देखने को मिल जाएगा फ्रेम पे। और यहाँ पे हमारी क्रॉस की वेबसाइट है, आप इसको इनकी वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं crossbikes.in। और गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था इसके टायर के बारे में, सो गाइस ये हमारा वेक्टोर का टायर रैलसन का है वैसे लेकिन इसकी सीरीज का नाम है वेक्टोर। और ये देखो 16 TPI स्कीन साइड वॉल टायर, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चलने में जवाब नहीं इस बाइसिकल्स के टायर का, 3 ईयर ईजिली निकाल देगा ये टायर आपका। तो ओवरऑल ये थी हमारी बाइसिकल क्रॉस की एक्सीट। सो गाइज ये थी हमारी क्रॉस की एक्सीट बाइसिकल। सो कैसा लगा आपको रिव्यू वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। और प्लीज़ यार जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फाइनली आप बाइसिकल्स देखो, अगर आप लोग चाहते हो मैं राइड करते हुए इस बाइसिकल का रिव्यू बनाऊँ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना तो मैं उसका एक वीडियो और बना दूंगा राइड करते हुए। अगर आपको ये बाइसिकल परचेज करनी हो तो आप मेरे पास से परचेज कर सकते हो और कॉन्टैक्ट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कर दोगे, आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ये बाइसिकल या कोई भी बाइसिकल परचेज करनी हो। अगर इस बाइसिकल के रेट की मैं बात करूँ 13,000, तो 13,000 का जो इस बाइसिकल का प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स वाला होने वाला है मेरे पास से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।